नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को रामद्रोही बताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है। बकौल सीएम, एक तरफ भगवान राम को नकारने वाले, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, राम मंदिर को बेकार बनाने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरह 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त कराकर प्रभु रामलीला को उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने वाले लोग हैं। राम मंदिर पूरे भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है, इसलिए आज पूरे देश में एक ही स्वर सुनाई पड़ रहा है, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। तुष्टीकरण की राह पर चलने वाली कांग्रेस और सपा को देश की जनता वहां पहुंचा देगी जहां उनका कोई नाम लेना नहीं होगा। सीएम योगी मंगलवार पूर्वाहन पीपीगंज में गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद व भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में वो प्रचार के लिए देश में जहां भी गए, हर जगह लोग मोदी जी को भरपूर समर्थन देते मिले। हर क्षेत्र से एक ही आवाज़ गूंज रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो राम मंदिर पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए गौरव है, उसे लेकर कांग्रेस कहती है कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए था, इससे दुनिया में गलत संदेश गया है। वहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि राम मंदिर बेकार बना है। सीएम योगी ने इस बयानों के लिए कांग्रेस सपा पर प्रहार करते हुए कहा कि राम मंदिर तो ठीक बना है, लेकिन राम मंदिर को बेकार बताने वाले लोगों की बुद्धि में भूसा भर गया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच जा चुका है। एक तरफ राम और राम मंदिर का विरोध करने वाले रामद्रोही लोग हैं, वहीं दूसरी तरह राम की सेवा करने वाले, रामलीला को विराजमान करने के लिए 500 वर्षों की प्रतीक्षा के कालखंड को समाप्त करने वाले राम भक्त हैं। ये वो राम भक्त हैं जिन्होंने रामलीला के विराजमान होने से पहले अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाया, श्री राम की सखा निषादराज के नाम पर प्रतीक्षालय बनवाया, माता शबरी के नाम पर भोजनालय बनवाया। ये वो राम भक्त हैं जो प्रयागराज में निषादराज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित कराते हैं, निषादराज को पूरा सम्मान देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे में निषादराज के कोई भी अनुयायी रामद्रोहियों के साथ खड़े नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि चुनाव में राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग आज आपकी आंख में धूल झोंकने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहकावे में नहीं आना है। सीएम योगी ने कहा कि रामद्रोही कभी चैन से नहीं बैठ पाया, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर हो, उसकी दुर्गति जरूर हुई है, उसका पतन जरूर हुआ है। उन्होंने कहा कि जबकि राम भक्त प्रभु के आशीर्वाद से प्रगति पर ध्यान देते हैं, आज राम भक्त देश के विकास के लिए 2 लेन से लेकर 12 लेन सड़क बनाने के लिए, एम्स मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM एयरपोर्ट बनाने के लिए, हर घर नल से जल पहुँचाने के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए काम कर रहे हैं। राम भक्त, मोदी सरकार ने 4 करोड़ गरीबों के मकान बनवाया, जो बच गए हैं उन्हें 4 जून के बाद सरकार बनने पर मिल जाएगी। गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान योजना, धुएं से मुक्ति के लिए उज्ज्वला योजना से निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, राम भक्त सरकार की ही देन है। कहा कि 4 जून को जब फिर से राम भक्तों की सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावुक होकर कहा कि वो इस क्षेत्र के लोगों के मन को जानते हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं। यहाँ के लोगों के लिए कमल चुनाव निशानी पर्याप्त है, कमल के अलावा और कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ के लोगों ने मुझे 5 बार सांसद बनाया है और पिछले चुनाव में रवि किशन शुक्ला को सांसद चुना। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि क्षेत्र के लोग रवि किशन को भारी बहुमत से सांसद बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वर्ष हमारे लिए विशेष है। गोरखपुर से जो आंदोलन 1949 और 1983 से प्रारंभ हुआ था, 1986 में जब स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब मंदिर का ताला खुला था, आज जब उस स्थान पर प्रभु श्री रामलला विराजमान हो गए हैं, तो उस साल होने वाले चुनाव में गोरखपुर में रिकॉर्ड वोट मिलने चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति को अगले 3 दिन तक कम से कम 10 परिवारों से संपर्क करने और मतदान के दिन उन सभी का वोट सुबह 10 बजे तक डलवाने की अपील की। इस अवसर पर सांसद और भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, डुमरियागंज के सांसद और प्रत्याशी जगदम्बिका पाल, MLC सलील विश्नोई, कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह, UP कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जितेंद्र बहादुर सिंह, अश्विनी त्रिपाठी, रमाकांत निषाद, विजय शंकर यादव, ब्रजेश यादव, अश्विनी जायसवाल, संजय सिंह, गोरख सिंह, लक्ष्मण विश्वकर्मा, मृत्युंजय सिंह, ब्रजभूषण मिश्रा, महेंद्र मिश्रा, मकसूदन मिश्रा आदि भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।